नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है समास। आज हम लोग समास पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समास होते क्या हैं। समास क्या होता है? समास का सामान्य अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है। जब किसी चीज़ का संक्षेपीकरण किया जाए, संक्षिप्तीकरण किया जाए, तो वो समास होता है। यानी कि किसी चीज़ को संक्षेप में कहा जाए, कोई बड़ी बात है उसको संक्षेप में कहा जाए, तो वो क्या होगा? समास। इसकी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पदों शब्दों को इस प्रकार रख दिया जाता है कि जिसके आकार में कमी हो जाए एवं अर्थ में कोई परिवर्तन हो, तो ऐसे संक्षिप्तीकरण रूप को समास कहा जाता है, ठीक है। आकार में कमी आ जाए लेकिन अर्थ ना बदले, तो वो समास है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमने राजपुत्र कह दिया तो उसका अर्थ है कि राजा का पुत्र, लेकिन हम लिखने में ये छोटा हो गया है, तो आकार की दृष्टि में इसका परिवर्तन हुआ है, छोटा हुआ है, इसीलिए ये क्या हुआ, यहाँ पे समास हो गया है, इसका समास कर दिया गया है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को जो समास की क्रिया, जो समास क्या है, क्रिया है, और इससे मिलकर जो पद बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे पांच वृक्षों का गर्भटों का समूह हो, क्या हो, पंचवटी। तो जो पंचवटी है ये क्या है, समस्त पद है। और जो जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, तो ये भी समस्त पद है। और ये अगर हम यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा, शक्ति के अनुसार, तो ये इसका विग्रह का रूप है। और उसका समास करेंगे शक्ति के अनुसार का, तो ये यथाशक्ति हो जाएगा, ठीक है। समस्त पद को जब तोड़कर पूर्व स्थिति में रखा जाता है तो उसे विग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगर समस्त पद को तोड़ दिया तो विग्रह, वही बात है। जैसे सभा का पति, सभा का पति, सभापति, ठीक है। सीताराम, सीता और राम, दसमुख, दसमुख है जिसके, ऐसा यानी कि रावण, ठीक है। अब दोस्तों, समास के भेद प्रकार कितने होते हैं? समास के प्रकार होते हैं छः। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीह समास। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीह समास। ये आपके जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है समास का, तो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं वह ये चार ही समास पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं चार समास की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है समास हमारा द्वंद्व समास। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और शब्द लगाना पड़ता है, वह द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जब इसका विग्रह करेंगे तो वहाँ पे और लगेगा, और जब इसका समास करेंगे तो वहाँ पे डैश योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, डैश को, ये लग जाएगा और ये दोनों शब्दों को जोड़ देगा, ठीक है। द्वंद्व आपको हम बताएं तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है दोस्तों युद्ध, ठीक है। और युद्ध किस स्थिति में होता है? जब दो पक्ष हों, दो लोग हों, तभी तो युद्ध होगा, और वो भी दो पक्ष बराबर की स्थिति में हों, यानी कि दोनों पक्ष ही अपनी उस पर अड़े हुए हैं, बराबर स्थिति में हैं, तभी वो युद्ध करेंगे, तभी वो द्वंद्व करेंगे। अगर कोई एक पद कम हो जाएगा तो वो फिर संधि हो जाएगी, वो एक दूसरे की शर्तें मान लेंगे, युद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो युद्ध तभी होता है जब दोनों पद बराबर होते हैं। तो इसमें द्वंद्व समास में भी यही होता है कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और वो योजक चिन्हों के माध्यम से जुड़े होते हैं, और इसमें और का लोप हो जाता है। और यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, कहीं पे भी अगर योजक चिन्ह वाले ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आप लोग आँख मूंद के वहाँ पे द्वंद्व समास लिख सकते हैं, ठीक है, और उसमें और लगा के उसका विग्रह कर सकते हैं। नदी नाले, नदी नाले डैश लगा के लिखा है, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नदी और नाले, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, देश विदेश, देश और विदेश, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, रात दिन, रात और दिन, अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है, जल और थल, जल थल, जल और थल, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, धर्मार्थ, धर्म और अर्थ, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, ठीक है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीताराम, सीता और राम, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा,
देवी देवता, देवी और देवता, लघु दीर्घ, लघु और दीर्घ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए योजक चिन्ह नहीं है धर्मार्थ और शुभाशुभ में, यहाँ पे धर्म और अर्थ को की संधि हो गई है। ठीक है, यहाँ पे धर्म दीर्घ संधि हुई है, धर्म में आ छोटा और यहाँ का छोटा मिलके ये बड़ा हो गया, इसीलिए संधि हो गई, तो योजक चिन्ह यहाँ का समाप्त हो गया। शुभाशुभ में भी दीर्घ संधि हो गई है, इसीलिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह नहीं लिखा हुआ, ये एक शब्द बन गया। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इसमें भी ये दो शब्द हैं जो मिले हुए हैं और दोनों ही प्रधान हैं, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीताराम, सीता और राम, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, देवी देवता, देवी और देवता, लघु दीर्घ, लघु और दीर्घ, माता पिता, माता और पिता, दूध दही, दूध और दही, नर नारी, नर नारी। ठीक है, तो द्वंद्व समास काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए, आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करते हैं तो और आ जाता है, जुड़ते हैं योजक चिन्ह के माध्यम से या फिर दीर्घ संधि। ठीक है, द्विगु समास, बात करें द्विगु तो क्या होता है, संख्यावाची द्विगु होता है। द्विगु का जिस समास में पहला पद पूर्व पद, पहला पद यानी कि पूर्व पद यानी कि पहला पद, ठीक है, संख्यावाची यानी कि गिनती वाला होता है, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेष्य कौन, जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। आप जहाँ पे गिनती 1, 2, 3, 4 वाली गिनतियाँ देखेंगे वहाँ पे आपको द्विगु समास, ठीक है, होगा। जैसे यहाँ पे त्रिफला, तीन फलों का समूह, हर बहेड़ा आंवला मिलके त्रिफला बनता है ना, तो वही ये त्रिफला है, तीन फलों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समय शताब्दी होता है, इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, 100 वर्षों का समय। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, तो यहाँ भी एक समूह का बोध कराएगा आपको। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे संख्या होनी चाहिए। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। नवरस, 9 रसों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। 2 राहा, 2 राहों का समूह। ठीक है, 10 अवतार, 10 अवतारों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। पंचपल्लव, 5 पल्लवों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। ठीक है, अब बात करें कर्मधारय समास की। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इनके पदों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमेय, उपमान का संबंध होता है। ठीक है, एक उपमेय है, दूसरा उपमान है, एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, ये संबंध होता है कर्मधारय समास में। ठीक है, और इसके 2 भेद होते हैं, विशेषतावाचक और एक होता है उपमानवाचक। यही विशेषण विशेष वाले विशेषतावाचक होते हैं जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष यानी कि एक विशेषण एक उसकी विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये समूह होगा विशेषतावाचक। और जहाँ पे एक उपमान है, दूसरा उपमेय है, वहाँ पे उपमानवाचक होगा। ठीक है, तो अब उदाहरण देख लेते हैं विशेषतावाचक के। इस समास में जिसकी विशेषता का वर्णन हो, ठीक है, उदाहरण दिए हुए हैं, महाकवि, महाकवि का क्या होगा, महान है जो कवि, तो यहाँ पे कवि की विशेषता बताई जा रही है ना। महादेव, महान है जो देव। नराधम, अधम है जो नर। पीतांबर, पीला है जो अंबर। पीत सागर, पीला है जो सागर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका पीतांबर है, ये आपके बहुव्रीहि समास में भी आता है। पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु जी, तो वो आपका बहुव्रीहि में आएगा। लेकिन पीला है जो अंबर यानी कि जो वस्त्र पीला है, यहाँ पे ये भी विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, कर्मधारय। ठीक है, पीत सागर, पीला है जो सागर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। अधमरा, आधा है जो मरा। ठीक है, नवयुवक, नया है जो युवक, वो क्या है, नवयुवक। नीलांबुज,
यानी कि नीला है जो कमल, अम्बुज मीन्स होता है कमल, ठीक है, नीला अम्बुज मतलब नीला है जो कमल। अब उपमेय वाचक कर्मधारय देखते हैं, ठीक है। इस समास में एक उपमेय उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है, एक उपमान होगा दूसरा उपमेय होगा, ठीक है। इसके विग्रह में सदृश का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उपमा करी जा रही है। लौह पुरुष, समस्त पद है लौह पुरुष, मतलब इसका विग्रह करेंगे लोहे के सदृश, यानी कि लोहे के समान पुरुष। चंद्रमुखी, चंद्रमा के सदृश मुख वाली। चरण कमल, कमल के समान चरण जिसके, ठीक है। लता देह, लता के सदृश शरीर, लता के सदृश शरीर। मृगलोचन, मृग के सदृश लोचन, मृग नैनी मृग के समान नेत्र वाली। मीनाक्षी, मछली के सदृश नेत्र वाली, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के सदृश मुख वाली। घनश्याम, घन के सदृश श्याम, यानी कि घन बादलों के समान काला। स्वर्ण कलश, स्वर्ण के सदृश, स्वर्ण सदृश कर्मण, ठीक है, सोने के समान कलश। तो इसमें आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले समास की ओर, बहुव्रीह समास। इस समास में दो पद होते हैं जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें जो सामने लिखा हुआ है उनमें से कोई पद प्रधान नहीं, इसका जो अर्थ होगा, जिसको ये इंडिकेट कर रहा होगा, जिसके बारे में बता रहा होगा, वो प्रधान होगा, तो वहाँ पे बहुव्रीह समास होगा। यानी कि जो लिखा है उसका कुछ और अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे आप बहुव्रीह समास करेंगे, ठीक है। जैसे इस समास में दो पद होते हैं जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे दशानन, दशानन किसको कहते हैं, दशानन मीन्स रावण, दस हैं सिर जिसके। आप कहेंगे कि इसमें देखिए संख्या है, दस जो है संख्या है, तो संख्यावाची तो द्विगु होता है, तो द्विगु समास आप इसमें नहीं लिख सकते। जहाँ पे बहुव्रीह और द्विगु के बीच में कंट्रास्ट होगा, वहाँ पे आपको बहुव्रीह समास उस पर प्रभावी होगा, वहाँ पे बहुव्रीह समास आएगा, ठीक है। तो दशानन जिसका दूसरा अर्थ निकल रहा है, दस है आनंद जिसके, यानी कि रावण, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीह समास होगा, कभी भी आप द्विगु नहीं लिखेंगे। इसमें दो पद, दस प्लस आनंद है, इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा है, अर्थात इसमें कर्मधारय समास होना था, ठीक है। अगर हाँ इस हिसाब से देखें विशेषण और संज्ञा के हिसाब से, तो ये दस आनंद है, तो इसमें कर्मधारय समास होना था, लेकिन ये बहुव्रीह में है, दस लेकिन ये बहुव्रीह है, तो इसमें आपको बहुव्रीह ही करना है, ना आप कर्मधारय करेंगे ना आप द्विगु करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका अर्थ क्या होगा, दस सिर धारण करने वाला अर्थात रावण। तो हर सभी दशाओं में जहाँ पे कहीं दो समासों में कंट्रास्ट वाली स्थिति आएगी कि नहीं ये तो वहाँ पे आपकी बहुव्रीह की प्रधानता होगी, ज़्यादातर बहुव्रीह के साथ ही ऐसा होता है। चलिए उसके उदाहरण देखते हैं। खगेश, समस्त पद है खगेश, खगों का है जो ईश, यानी कि गरुड़, उसको क्या कहते हैं खगेश, मतलब इसमें गरुड़, देखो खगेश जो है वो ये वरुण का पर्यायवाची है, तो ये वरुण के बारे में बता रहा है, गरुड़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रधान नहीं है, कुछ और ही, यानी कि जिसके बारे में बता रहा है वो प्रधान है, इसीलिए यहाँ पे बहुव्रीह है। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कि जो कमल है, कमल जलज है, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। गजानन, हाथी, गज होता है हाथी, हाथी के सदृश मुख वाले अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण जी या विष्णु जी, ठीक है, वो पीताम्बर हो गए। अभी पीताम्बर आपने देखा था कर्मधारय में भी था, लेकिन वो पीत है जो अम्बर, पीला है जो कपड़ा, वो पीताम्बर, तो वो कर्मधारय। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है, या विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। नीलाम्बर, नीला है वस्त्र जिसका अर्थात बलराम। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी। चंद्रशेखर, चंद्र है, चंद्रमा है मस्तक पे जिसके अर्थात शिव जी। चतुरानन, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। देखिए चतुरानन यहाँ पे भी गिनती है, संख्यावाची है, लेकिन ये द्विगु नहीं है, ये बहुप्रिय है, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि इसका कुछ अन्य अर्थ निकलता है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। त्रिलोचन, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी। महावीर, महान वीर हैं जो अर्थात हनुमान जी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस।
प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो वो प्रधानमंत्री, चंद्रमौली चंद्र है मस्तक पे जिसके अर्थात शिव जी, गिरधर गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी, पंकज कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि समास क्या होते हैं, ठीक है, और समास के कितने प्रकार हैं, और हमने आज की कक्षा में पढ़ा द्वंद्व द्विगु कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के बारे में, ठीक है, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। तो दोस्तों ये वीडियो वैसे हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है, इसके सिलेबस उनके सिलेबस में यही 4 समास हैं, तो हमने वही 4 समास पढ़ाए हैं आपकी क्लास में। लेकिन आप किसी भी कक्षा में हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपको आपके लिए उतना ही उपयोगी है जितना ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और आपकी क्लास में जो और आपके क्लासमेट हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।